माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की 10वीं बोर्ड की परीक्षाएं 31 मार्च से शुरू हो गई है। इन परीक्षाओं को लेकर बोर्ड प्रशासन ने व्यापक इंतजाम किए हैं। प्रदेश में 6068 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा का आयोजन करवाया जा रहा है, जहां करीब 11 लाख अभ्यर्थी पंजीकृत किए गए हैं। इन सभी परीक्षा केंद्रों पर 2 शिक्षकों के साथ ही पुलिसकर्मी भी तैनात किए गए हैं। वहीं 11 जिलों को संवेदनशील व अति संवेदनशील मानते हुए सीसीटीवी कैमरे से नजर रखी जा रही है। इसे लेकर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान में कंट्रोल रूम स्थापित किया है, जहां से परीक्षा की पल पल की मॉनिटरिंग की जा रही है। इन परीक्षा केंद्रों पर किस तरह की व्यवस्था है, इसे लेकर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की सचिव मेघना चौधरी ने कंट्रोल रूम का जायजा लिया और तमाम परीक्षा केंद्रों पर किस तरह की व्यवस्था है और नकल रोकने को लेकर जो इंतजाम किए हैं, उन सभी विषयों पर विशेष फोकस करते हुए तैयारियां की गई है। 10वीं बोर्ड की परीक्षाएं 31 मार्च से शुरू होकर 26 अप्रैल तक आयोजित होगी। इस दौरान सीसीटीवी कैमरे के साथ ही उड़न दस्ते लगाई गई है, जो समय समय पर परीक्षा केंद्र का जायजा लेने पहुंचेंगे। वहीं परीक्षाएं शांतिपूर्ण रूप से आयोजित हो, इसे लेकर समय समय पर मॉनिटरिंग की जा रही है। देखिए, 11 लाख बच्चे आज हमारे सेकेंडरी का एग्ज़ाम दे रहे हैं और 6068 सेंटर्स पर हमारे एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, जहां पर हमने लाइव स्ट्रीमिंग की व्यवस्था करी है और 425 करीब हमारे जो सेंटर्स हैं जहाँ से हम लाइव स्ट्रीमिंग करवा रहे हैं, जो हाइपर सेंसिटिव सेंटर्स हैं, नोडल हैं, एकल हैं या कहीं पे शिकायत प्राप्त हुई है, उन सभी सेंटर्स की हम लोग मॉनिटरिंग, लाइव मॉनिटरिंग चल रही है। इसके अलावा हमारी जो फ्लाइंग्स हैं, 58 फ्लाइंग्स हैं जो ऑल ओवर राजस्थान घूम रही हैं, चेक कर रही हैं सेंटर्स को, वो बोर्ड की फ्लाइंग्स हैं। इसके अलावा जो जॉइंट डायरेक्टर्स की फ्लाइंग है वो 9 है और 125 के करीब हमारे डीओस की फ्लाइंग्स भी चल रही हैं। नहीं, एवरीथिंग इज़ वेरी पीसफुल, सब चीज़ ठीक है और हम लोग थोड़ी स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जिससे कहीं भी कोई किसी प्रकार की चूक ना रह जाए। ठीक है।